गाइस, तो जिंदगी में पहली बार आप लोग मेरी शक्ल देख रहे हो। ना ही मैंने फिल्टर लगाया, ना ही मैंने मेकअप किया है, क्योंकि आज मैं पहली बार ट्राई करने वाली हूँ कोरियन स्किन केयर प्रोडक्ट। ये लास्ट ईयर से इतना ज्यादा वायरल चल रहा था ना, मैं सोच रही थी इसको खरीदूं या ना खरीदूं, क्योंकि इसकी प्राइस भी बहुत ज्यादा थी। मतलब 1060 रुपए का था, मतलब 1060, एंड मुझे स्किन केयर प्रोडक्ट के बारे में उतना पता भी नहीं है। एंड सबसे मेन चीज ये स्नेल म्यूसिन से बना, तो मुझे थोड़ा सा वो हो रहा था। बट जो मेरी स्किन है वो ड्राई है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टोनर लगा रही हूँ ताकि थोड़ा सा मेरी स्किन मॉइस्चराइज हो जाए। आई डोंट नो कि ये ऑयली स्किन के लिए है कि ड्राई स्किन के लिए या फिर दोनों के लिए। बकलोल तो मैं हूँ, कुछ भी बोल लो। बाहर का फास्ट फूड खाने में मैं 1000 रुपए खर्च करूँ तब मेरी जान नहीं जाती है, लेकिन 1000 का स्किन केयर प्रोडक्ट खरीदने में मेरी जान निकल गई। तो टोनर सूख गया, अब हम लगाएंगे ये म्यूसिन। मैं सच बताऊँ तो इसका जो टेक्सचर था ना, उसको देख के तो मुझे कुछ कुछ हो रहा था। मतलब ये स्नेल का म्यूसिन नहीं, बोचन का नोजी लग रहा। ओके गाइस, अब मैं इसको अपने थोबड़े पे लगाऊंगी दोनों तरफ अच्छे से। सब लोग कोरियन स्किन केयर करते रहते हैं। अब मैं भी एक हफ्ते लगातार लगाने के बाद देखती हूँ कि इफेक्ट कैसा आता है। मुझे तो थोड़ी अच्छी फीलिंग आ रही थी, मतलब अमीरों वाली। मैं अपने थोबड़े पे सर्जरी भी करवा लूँ ना, लेकिन जब तक मैं अपना फास्ट फूड नहीं छोड़ूंगी तब तक मेरे स्किन पे ग्लो नहीं आएगा। या मैंने इतनी बुराई कर दी, अगर उनको पेड प्रमोशन देना होगा तब भी नहीं देंगे। ओ शिट। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।